हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेंड चैनल। आई एम सुहेब संधु एंड यू आर वाचिंग ब्लेंड चैनल। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर आपको ये बताने वाला हूँ, आपकी प्रॉब्लम को जो है वो दूर करने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी फेसबुक की लैंग्वेज अगर आपकी चेंज हो चुकी है ऑटोमेटिकली, तो आप किस तरह से इसको इंग्लिश में ला सकते हैं। अगर आपकी चेंज हो चुकी है लैंग्वेज किसी भी ज़बान में, पश्तो में या उर्दू में या किसी भी ज़बान में, फ़ारसी में, सिंधी में, किसी भी में, हिंदी ज़बान में तब्दील हो चुकी है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा, उसके डिफरेंट फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर हमारी पे, हर चीज़ जो है उसकी तमाम की तमाम सेटिंग जो उर्दू में आपको दिखाई दे रही है, और उर्दू में हमें मोस्टली जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मोस्टली हमें समझ नहीं आती। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये गाइड करूँगा कि आप किस तरह से अपनी फेसबुक की लैंग्वेज को दोबारा के साथ किस तरह से अपने रीसेट वर्जन में यानी कि इंग्लिश में किस तरह से ला सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो के अंदर ज़रा से भी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो को लास्ट तक वाजी कीजिएगा, और पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे साइड्स पर दिखाई दे रहा है, जितनी भी सेटिंग्स आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको अपनी वॉल पर जाकर दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जिस तरह से जितनी भी सेटिंग्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, पोस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, एवरी थिंग व्यूअर, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि हमारी हर चीज़ जो है वो उर्दू के अंदर आपको दिखाई दे रही है, चैटिंग चैट जो है वो सारी की सारी, जितने भी सब कुछ, एवरी थिंग ए टू जी जो है वो हमारी चेंज हो चुकी है और वो हमें उर्दू में दिखाई दे रही है। तो मुझे बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा। तो आपने जस्ट व्यूअर्स, आपने ये एरो का साइन आपको दिखाई दे रहा है, जो आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से सेकेंड नंबर है नीचे से, डाउन से सेकेंड नंबर जो है सेटिंग का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास दोबारा से उर्दू के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आपने साइड पे, राइट साइड पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट सेटिंग के ऑप्शंस, आपने यहाँ से अपनी ज़ुबान की सेटिंग जो है लैंग्वेज की जो होगी वो आपने सेट करनी है, जिस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है लैंग्वेज एंड रीजन। तो आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ओहो, यहाँ पर मज़ीद आगे से उर्दू ही हमें दिखाई दे रही है, और यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स आपको, वर्जन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। तो आपने किसी भी मेन्यू को जो है वो यूज़ नहीं करना। फर्स्ट वाला जो मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, फेसबुक लैंग्वेज चेंज, आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपने उर्दू पे क्लिक करेंगे और आपके सामने बेतहाशा ज़बानें आ जाएंगी, लैंग्वेज जो भी आपने लैंग्वेज रखनी है तो आपने चूज़ कर लेनी है। मैं यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ और इंग्लिश यूके नहीं करनी है, आपने इंग्लिश यूएसए वाली है जो वो आपने सेलेक्ट करनी है, और इस पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो आपने सेव वाला यूज़ कर देना। और आपने देखा किस तरह से हमारी जो लैंग्वेज है वो ए टू जी जो है वो चेंज हो चुकी है और सारी की सारी इंग्लिश में हमें अपीयर हो रही है। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है यार, एक लाइक तो कर दीजिए इसको, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो को ट्रिक पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट में बताइएगा ट्रिक आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल रही। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।